सुप्रभात पिला माने मु निरंजन दक्षता इंस्टीट्यूट रे ऑनलाइन क्लासेस को समस्त को स्वागत करुची। आज रो वीडियो रे दशम श्रेणी साहित्य रो व्याकरण विभाग रे थिबा प्रथम पाठ वाक्य विचार टी रो इंपोर्टेंट सिलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करिबा। जदि पूर्व वीडियो गुडा को देखिबा को चाहौछ तबे डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि जाई देखि परबो, नचेत प्लेलिस्ट को जाई मध्य हमर विभिन्न प्रकार रो वीडियो तुम माने देखि परबो। तबे चलो पिले देरी न करी आज रो वीडियो को आरंभ करबा। तो प्रथम हम देखिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटे लेखाएं वाक्य लेख। तो देखो पिला माने एठी प्रश्न अच्छी, देखो एक और क अच्छी प्रश्न बताने देखिबा आम। तो जहाँ किसी प्रश्न अच्छी आम सब जगह कौन करवा ना गोटे गोटे वाक्य उत्तर दबा था, ठीक अच्छे। तो देख कौन अच्छी प्रश्न, वाक्य क्या कहा जाए। तो एक नंबर उत्तर हम पिला माने एक बा एकाधिक पद मिलित हो मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले वाक्य कहु, बुझीगले पिला माने। कारण एक बा एकाधिक पद जो परस्पर सहित मिसी आशी सारापर से कौन थोड़ा गोटे प्रकृत अर्थ प्रकाश कर मनर भावटा जब परिपूर्ण रूपे प्रकाश कर पार्थे कहने वाक्य, बुझीगल पे। तो ये जो मुझे पद बोली कहली तो पद ताल कौन, तो देख सही बर्तमान ख नंबर प्रश्न अच्छी पद क्या कह। तो पद देख पाने वाक्य व्यवहृत होता प्रत्येक शब्द बा अंश को कौन कह पाने पद। जमीन मनकर मुझे गोटे वाक्य कही पाने सुब्रत क्रिकेट खेलुची, बुझिपार्स ना। तो ये जो वाक्य देख पाने सुब्रत है गोटे पद, क्रिकेट है गोटे पद, खेलुची है गोटे पद। तो ये तीनोट जाक पद मिसी सारापर तो ये जिते बड़े गोटे मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कर कौन गोटे अर्थ प्रकाश कर वाक्य बोली कहुला, बुझीगल। तो वाक्य आ पद दुईट जाक भल बुझीगला पाने। तो वाक्य क्या कह एक वाक्याधिक पद मिलित हो मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले वाक्य काक्य व्यवहृत होता प्रत्येक अंश को पद बोली कहुगले पाने। तो वाक्य आ पद क्लीयर है। एवं देखा ग नंबर प्रश्न, वाक्यांश क्या कहुए। तो देख पाने ग नंबर उत्तर हम वाक्यर बुझा पड़ा निर्दिष्ट अंश को बा पद सहति को वाक्यांश। तो कौन, तो देख पाने मनकर मुझे वाक्य कह कौन हरिहर कथा शुणी माँ आश्चर्य हेले। तो देख पाने ये जब कौन करी ना हरिहर कथा शुणी माँ एति काटिदे पर भी बड़का कौन रहा ना आश्चर्य हेले, बुझिपार ना आश्चर्य हेले। तो खाली एति कहले कौन हो आमको बुझा पड़ी। तो ये कौन है पिलाने तेल वाक्यांश क्या कह ना वाक्यर बुझा पड़ा निर्दिष्ट अंश को बा निर्दिष्ट कतोटी पद सहति को वाक्यांश बोली कह। तो यह विषय में अलरेडी वीडियो अपलोड कर सारी, तो व्याकरण विभाग दुईट वीडियो अपलोड कर सारी वाक्य विचार देन आउट अच्छे हमारे पद विन्यास। ए दुईट वीडियो मुझे अलरेडी अपलोड कर सारी तुमने जब देखी ना हो तो तार लिंक डिस्क्रिप्शन अच्छी, तो तुम्हें जाइए चेक कर पार आउ से वीडियो को पूर्ण मात्रा तुम्हें देखिपार। देन एवं देखा पिलाने घ नंबर प्रश्न, तो घ नंबर प्रश्न कौन अच्छे देख आसक्ति क्या कहुए। तो घ नंबर आंसर पिलाने वाक्य पद योजना बा सौंदर्य होची आसक्ति। तो बुझीगले पिलाने ताहले कौन पद योजना बा सौंदर्य कौन, देख पिलाने मनकर मुझे गोटे वाक्य कह तो भल बुझा चेष्टा कर। मनकर गोटे वाक्य कह बही से, तो देख पिला लिखा चेष्टा कर कौन लिखी ना बही से, ठीक अच्छे। तो टिके पिला कलरटा जस्ट चेंज कर। तो देख पाने कौन लिखी मनकर लिखिली, देख कौन लिखी ना बही। तो देख पाने मनकर लिखिली बही से, ठीक अच्छे। देन देव मते लिखिदा मनकर देव मते। तो देख पाने ये तुम टे भल भाव देख मु कौन लिखिली बही से देव मते। तो यहाँ मुझे कहबिना तो यहाँ गोटे कौन किसी अर्थ प्रकाश करक्यटा कौन परिपूर्ण हो पार्टी कि पारना। अच्छा जदि मु कौन लिखी से प्रथम लिखी से मते बही देव। तो जदि ए प्रकार लिखी ताल या कौन गोटे अर्थ परिप्रकाश कर, ठीक अच्छे बुझिपार्स ना। तो यही कहु पाने आसक्ति, बुझीगल। तो वाक्य पद योजना, पद योजना मान जो आगु पछु कर लिखा जो, ठीक अच्छे। तो सहीटा हूँ पाला पद योजना, तो या कहु पाने आसक्ति। आशा कर बुझीगल पाने। तो देन एवं देखा खंडवाक्य, तो खंडवाक्य कौन, तो देख खंडवाक्य क्या कहुए।
तो खंडवाक्य हूँ देख पे वन नंबर आंसर हम समस्त वाक्यर समापिका क्रियाजुक्त अंश को खंडवाक्य कमी तो देख पे अच्छा समापिका क्रिया पी कौन समापिका असमापिका क्रिया तो देख मन कर मु कह से बिल को जाई चाष कर ठीक अच्छे से मन कर देख मु लिखी इटी से बिल को जाई ठीक अच्छे बिल को जाई देख पे बुझीज क्लीयरली से बिल को जाई चाष कर ठीक अच्छे तो ये टी भल भाव देख पे तो ये कहला ला दीटा क्रिया है गोटे जाई है गोटे क्रिया आउ गोटे करुच्छी आउ गोटे क्रिया तो ये दीटा को भल भाव देख ये कौन ना जो करुच्ची ये गोटे कौन आपको कह गए समापिका क्रिया ठीक अच्छे किंतु ये जो जाई है तो ये कौन हो ना ये जो क्रियाटा आम व्यवहार कले ये वाक्यटा परिपूर्ण हो पार ना ये लिखला आउ कि गोटे आमको अपेक्षा करने को पड़ी बुझीगल तो ये जो जाई है कौन या कह जाए असमापिका क्रिया आउ करुच्ची ये गोटे समापिका क्रिया आशा कर बुझीगल बिल क्लीयरली ठीक अच्छे तो ये देन आउ थे आम जा तो खंडवाक्य क्या कहो तो खंडवाक्य देख पे वन नंबर आंसर हम समस्त वाक्यर समापिका क्रियाजुक्त अंश को खंडवाक्य बुझीगल ना पाने तो देख मन कर कहे किए प्रथम हे कलना करवा कष्टर ए विषय मुझे पे अलरेडी बुझे सारी तो तुम देखीद से वाक्य विचार भिडटी देखीद आशा कर क्लीयरली बुझीज ठीक अच्छे तो से तुमको मु बहुत बढ़िया भाव में बुझी पे उदाहरण देकर तो सहीटा डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छे तार देखीद खूब शीघ्र है कि तो खंडवाक्य कौन हम ना मन कर मुझे कहबी किए प्रथम हेब कलना करवा कष्टर बुझीगल ना तेणु यहीटा कौन मना किए प्रथम हेब ठीक अच्छे तो यहाँ कौन है तो हेब यहाँ कौन है गोटे समापिका क्रिया है तो ये किए प्रथम हेब ये है गोटे कौन पे आपको कह गए खंडवाक्य बुझीगल पे देन एवं आम देखा छह नंबर क्वेश्चन तो छह नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देख छह नंबर क्वेश्चन अच्छी वाक्य योग्यता कहले कौन बुझ तो छह नंबर कौन आंसर हम देख पे तो छह नंबर हम वाक्य व्यवहार कर पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को कौन कह पाने योग्यता कौन ना देख पे मन कर मोटे उदाहरण देवी मन कर बाड़कटी उड़ू अच्छी ठीक अच्छे मन को लिखिली बाड़कटी उड़ू अच्छी अच्छा बाड़कटी कौन उड़ियाप तार योग्यता अच्छी कि बुझीपना कि बाड़कटी जदि मुझे लिखी दौड़ी अच्छी लिखी तेल ठीक अच्छे बाड़कटी दौड़ू अच्छी तो ये ठीक हम कि बाड़कटी उड़ू अच्छी जब लिखी ना तो सीटा भूल हो कहीं भूल है कारण बाड़कटी पाखे उड़बार क्षमता नहीं योग्यता ना बुझीपना तो वाक्यर योग्यता कौन पे ना वाक्य व्यवहार कर पदगुड़िकर पारस्परिक संबंध पारस्परिक संबंध मान मानने बाड़क सहित से उड़िया संबंध ठीक अच्छे तो यह प्रकार संबंध को कौन कह पे योग्यता जदि से बाड़कटी उड़ू जगार मुझे बाड़कटी दौड़ू लिखिना तेल से ठीक हे पाने तो या कह पाने योग्यता बुझीगल क्लीयरली देन एवं आम देखा छह नंबर क्वेश्चन तो छह नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी वाक्य आकांक्षा कहले क्या बुझाए तो देख पे तो छह नंबर आंसर हम आकांक्षा तेल कौन वाक्य गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता अपेक्षा कले आकांक्षा कह पे आउ थे कह वाक्य गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता अपेक्षा कले आकांक्षा कह देख मन कर गोटे उदाहरण दे पे मदन सहित ठीक अच्छे एति बास रहा मदन सहित ये जब मुझे लिखी तेल कौन किसी बुझा पड़ी तुमको मदन सहित ये लिखले कि बुझा पड़ना अच्छा मुझे से परिपूर्ण करी मदन सहित बापा आसबे ये तुमको बोले बुझा पड़ी बुझेना पे कितु जो खाली मदन सहित कहना किसी बुझा पड़े कारण कहीं बुझा पड़े ना मदन सहित मुझे ये कहना तेल तुमको कौन कराया पड़ी ना तापर आउ किसी कहना तुमको अपेक्षा करा पड़ी ठीक अच्छे तेणु तो आकांक्षा कौन ना वाक्य गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता जब अपेक्षा कर आकांक्षा तो बुझीगल ना पे आकांक्षा तेल कौन तो ये आम देखा ज नंबर क्वेश्चन तो ये जहाँ जहाँ किसी कहूँ तो तुम सब जाक गोटे गोटे वाक्य लिखा चेस्टा कर पाने मुझ बुझापी विभिन्न प्रकार वे तुमको किसी अत्यधिक जिनस कहीदे तेणु ये सब जाक लिखनी ठीक अच्छे तो जहाँ उत्तर हम तुम खाली गोटे गोटे वाक्य सर बुझे पे तो ये आम देखा बास ज नंबर तो ज नंबर कौन अच्छे देख गठनगत दृष्टि वाक्य केते प्रकार तो देख पे ये जब आम उत्तर देखा तो वाक्य केते प्रकार हम गठनगत दृष्टि केते प्रकार गठनगत दृष्टि हम पे चारि प्रकार आम देखी वाक्य रूप विषय
ता से वाक्य रूप में कौन होता गठनात्मक रूप रोला देन आउटे प्रकार्यात्मक रूप रोला तो ये कौन पे जब गठनात्मक रूप देखा ना गठनात्मक रूप के प्रकार हम चार प्रकार हम कौन कौन गोटे हूँ सरल वाक्य आ गोटे हूँ जौगिक वाक्य आ गोटे हूँ जटिल वाक्य आ गोटे हूँ मिश्र वाक्य तो ये प्रकार चारिटी अच्छी ये थिला कौन पे गठनात्मक दृष्टि हाँ जदि से प्रश्न पचार था जे प्रकार्यात्मक रूप दृष्टि केते प्रकार अच्छी तो से पाने कौन हम पांच प्रकार होमती पांच प्रकार कौन कौन तो सही जो पांच प्रकार अच्छी तालोले कौन कौन हम पे यहाँ मत मन रखी था जे एक नंबर हम कौन बृत्ति सूचक वाक्य दुई नंबर हम आदेश व अनुरोध सूचक वाक्य तीन नंबर हम प्रश्न सूचक वाक्य चार नंबर हम विस्मय सूचक वाक्य आउ पांच नंबर हम नास्ती सूचक वाक्य ए सब पे तुम बही अच्छी क्लीअरली जापर ठीक अच्छे तो ये बर्तमान आम ज नंबर कम्प्लीट हो गला देन एवं देखा झ नंबर झ नंबर क्वेश्चन तालोले कौन अच्छी देख पे झ नंबर क्वेश्चन अच्छी सरल वाक्य क्या कहुए तो देखो पिला माने छह नंबर आंसर हम गोटे मात्र समापिका क्रिया थी वाक्य को सरल वाक्य बोली कहुए अच्छा समापिका क्रिया असमापिका क्रिया मुझे जस्ट पूर्व पढ़े तुमको कहीदेली पिला माने तो देखो ये कौन कहली तेल सरल वाक्य क्या कह तो झ नंबर मन रख गोटे मात्र समापिका क्रिया थी वाक्य को सरल वाक्य बोली कहुए गोटे मात्र समापिका क्रिया कौन देख मुझे गोटे उदाहरण देवी मनकर देख मुझी कौन ना सुब्रत क्रिकेट खेलुची ठीक अच्छे तो ये क्रिया कौन अच्छी खेलुची अच्छी ना तो गोटे मात्र क्रिया अच्छी ये असमापिका क्रिया बिल्कुल ना तो समापिका क्रिया आम कौन रहा गोटे मात्र रहा कौन खेलुची तो ये प्रकार जब रहा ना तो कहो पे सरल वाक्य बुझिपार तो ये प्रकार जहाँ भी किसी उदाहरण देवा सुब्रत क्रिकेट खेलुची मोहन भागवत पढ़ुची से बही को धरी ठीक अच्छे तापर लिखा अभिषेक पोखरी में गाधोची तो ये प्रकार आम जहाँ भी किसी वाक्य गुड़ाक लिखिपर ये सब जगह कौन जो पे सरल वाक्य बुझीगल तो सरल वाक्य कौन ना सरल वाक्य हूँ गोटे मात्र समापिका क्रिया थी वाक्य को सरल वाक्य आम कर से भितर केवल गोटे मात्र समापिका क्रिया थी देन एवं देखा नियो नंबर पे तो एवं देखा पे नियो नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देख जौगिक वाक्य क्या कहुए तो नियो नंबर आंसर कौन पे नियो नंबर आंसर हम परस्पर निर्भरशील दुई बा तत्यधिक सरल वाक्यर समाहार जोगे गठित वाक्य को जौगिक वाक्य बोली कहुए माने देख पे सरल वाक्य पूर्व पढ़ले तो ये प्रकार सरल वाक्य जदि दुई किंबा दुई रु अधिक सरल वाक्य कौन हो ना परस्पर सहित कौन हो ना निर्भरशील एम परस्पर सहित निर्भरशील थे तो ये प्रकार दुई बा कौन तत्यधिक सरल वाक्य मिसी सारापर जो गोटे वाक्य या कहो पे कौन जौगिक वाक्य जिमें देख पे मन कर उदाहरण देवी पवित्र पहुँचला सुषमा आसला उभय मिसी पाठ पढ़ी तो देख पे ये तीन टा सरल वाक्य अच्छी पवित्र पहुँचला गोटे वाक्य है सुषमा आसला गोटे वाक्य है देन उभय मिसी पाठ पढ़ी ये गोटे वाक्य है तो तीन जाक मिसिकी जो वाक्यटा या तो कहो पे जौगिक वाक्य बुझीगल देन एवं देखा ट नंबर क्वेश्चन तो ट नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देख पे ट नंबर क्वेश्चन अच्छी जटिल वाक्य क्या कहुए तो जटिल वाक्य कौन हम देख पे तो यार आंसर हम पे दुई बा ताहाटारु अधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय गठित वाक्य को जटिल वाक्य बोली कहो तो देख पे कौन दुई बा तत्यधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय जटिल वाक्य या किमी ना देख पे गोटे उदाहरण दूसरी मुझे अजा जितेबले घरे पहुँचले से घरे रतन नथिला ठीक अच्छे तो ये जो प्रकार वाक्य है पे तो ये कौन ला ना परस्पर सापेक्ष होगा बुझिपारे ना पुणी खंड वाक्य देख जितेबले से पुणी लगला अजा जितेबले घरे पहुँचले से घरे रतन नथिला ठीक अच्छे तो ये प्रकार वाक्य जहाँ पे कौन ना जटिल वाक्य सेमित आउ जो उदाहरण देवा ना बापा केवे आशा करन जे सनातन श्रेणी में प्रथम हम बुझिपारे पे बापा केवे आशा करन जे सनातन श्रेणी में प्रथम हम तो ये सब प्रकार वाक्य जहाँ पे जटिल वाक्य बुझीगल पे तो ये आम देखा ठ नंबर प्रश्न वाक्य क्रियापद केउठारे बसे तो देख पे यार आंसर हम कौन ना वाक्यर शेष क्रियापद बस जमी देख मुझ उदाहरण गोटे कही सुब्रत क्रिकेट खेलुची तो ये क्रियाटा कौन क्रिया हूँ खेलुची तो सीटा कौटे बसला शेष बसला तेणु मन रखित पे वाक्यर क्रियापद कौन रहा ना वाक्यर शेष रही तो ये थी ठ नंबर एवं देखा ड नंबर ड नंबर प्रश्न अच्छी वाक्य संबोधन पद केउठारे बसे तो संबोधन पद मन रखित पे इधर आरंभ में बस नचे शेष बस ठीक अच्छे तो एगुड़ाक सब मुझ तुमको बुझे सारी पे पद विन्यास भिडियोटे देखिए जापर ठीक अच्छे तो एवं देखा ढ नंबर वाक्य विशेषण पद केउठारे बसे तो ढ नंबर देख पे वाक्य विशेषण पद विशेष पद पूर्व बसी थाए जमी देख विशेषण पद कौन ना मन कर मुझे कहबी सुंदर झीओटी विद्यालय जाऊँगी भंगा मठिया पा आणुची
ବୁଝିପାରୁଛେ ନା, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଯାହା ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏଠି କ'ଣ କଲା ଯେ, ତ ବିଶେଷଣ ତାହେଲେ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନା, ଯିଏ ବିଶେଷକୁ ବିଶେଷିତ କରିବ ତ ସିଏ ହେବ କ'ଣ, ବିଶେଷଣ। ତ ଏଇଠି ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ତ ଯଦି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି, ତ ଝିଅଟି ହେଲା କ'ଣ, ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ, ତ ସେଇ ବିଶେଷକୁ ସେ ବିଶେଷିତ କଲା, ତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ସେଠି କ'ଣ, ବିଶେଷଣ। ଆଉ କ'ଣ ଝିଅଟି ହେଇଗଲା କ'ଣ, ସେଠି ବିଶେଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଆଉଥରେ। ତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖୁନି, ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି ଲେଖୁଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଜାଣିପାରିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଝିଅଟି ହେଲା କ'ଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ କ'ଣ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି କି, ସୁନ୍ଦର। ତ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ଏଇଠି ମନେ ରଖିଥାଉ ପିଲାମାନେ, ତ ସେ କହୁଛି ତ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସିଥାଏ, ନା ବିଶେଷଣ ପଦଟା ସବୁବେଳେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସିଥାଏ। ବୁଝିଗଲେ ପିଲାମାନେ, ତ ଝିଅଟି ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦର ବସିଲା ନା, ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା, ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ, ଠିକ ଅଛି, ତ ମାଠିଆ ପୂର୍ବରୁ ଭଙ୍ଗା ଲାଗିଲା ନା, ତ ଭଙ୍ଗା ହେଲା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ, ଆଉ ମାଠିଆ ହେଲା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ତୁମେ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାସ୍ ଣ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆମେ। ତ ଣ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖ ଣ ନମ୍ବର ଅଛି ବାକ୍ୟରେ କର୍ମପଦ କେଉଁଠାରେ ବସିଥାଏ। ତ ଣ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ, ବାକ୍ୟରେ କର୍ମପଦ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା କର୍ମପଦ ପୁଣି କ'ଣ, ଦେଖ ମନେକର ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଦେଖ ସେ ଯାଉଛି, ତ ସେ ଯାଉଛି ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ, ସେ ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଇଏ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ଦେନ୍ ଯାଉଛି ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ କ୍ରିୟା। ଦେନ୍ କେଉଁଠି ଯାଉଛି, ନା ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଛି, ମନେକର ମୁଁ ଲେଖିବି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଛି। ବୁଝିଗଲେ ନା, ତ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଛି, ତ ଯାଉଛି ହେଲା କ'ଣ କ୍ରିୟା, ସେ ହେଲା କ'ଣ କର୍ତ୍ତା, ଦେନ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା କ'ଣ କର୍ମ, କେଉଁଠି ଯାଉଛି ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଛି, ତ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ କର୍ମ। ତ ଏଠି ମନେ ରଖିଥାଉ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ କର୍ମପଦଟା କେଉଁଠି ବସିବ, ନା କର୍ମପଦଟା ମନେ ରଖିଥାଉ ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ କ୍ରିୟାପଦ କ'ଣ ଯାଉଛି, ତ ଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବସିଲା ନା, ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେବ ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ନମ୍ବର, ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ। ତ ଠିକ ଅଛି, ତ ଦ ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ହେବ, ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ କ'ଣ, ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପିଲାମାନେ ତାର କାରକ ବିଭକ୍ତିକୁ ନେଇକି ମୁଁ ପୁରାପୁରି ବୁଝେଇ ସାରିଥିଲି, ଏଇଟା ବୁଝିଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି, ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ତୁମେ କ'ଣ ପଦବିନ୍ୟାସ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଦିଅ, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଏଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କ'ଣ, କାରକ ବିଭକ୍ତି ପୁରା ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇଛି। ଦେନ୍ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଥ ନମ୍ବର, ଠିକ ଅଛି, ତ ନମ୍ବର ପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଥ ନମ୍ବର, ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ବସିଥାଏ, ତ ଥ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟରେ ଶେଷରେ ବସିପାରେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ବାକ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଶେଷରେ ବସିବ, ଠିକ ଅଛି, ସେଇଟା ପଦବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛି ଏଇଟା। ଦେନ୍ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦ ନମ୍ବର, ତ ଦ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖ ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ କେଉଁଠାରେ ବସେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ, ଦ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପରେ ପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଯାହା ଅଛି, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ତ ତା ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ସେଇ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟା ବସିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଥିରେ କହିସାରିଛି ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଜାଣିପାରିବ। ଦେନ୍ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଧ ନମ୍ବର, ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝେଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଧ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ, ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝେଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସବୁଯାକ ପଦ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝେଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ, ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବୁଝେଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ନ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ନ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ ନ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ନ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ ନମ୍ବର, ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ତ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଯୌଗିକକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଜଟିଳ କରିବା। ତ ପ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି ତେଣୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ନା ଯେହେତୁ ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି ତେଣୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ବୁଝିଗଲ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା, ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ଦେନ୍ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ଫ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ତ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ।
तो यहाँ आम कौन करवा ना जौगिक वाक्य परिणत करवा। तो फोन नंबर आंसर पे जे जे आसबे और आम खुशी हबु बुझीगला कि तो ये थिला जटिल आम कौन कला जौगिक परिणत कले। देन एवं आम देखा ब नंबर क्वेश्चन। तो ब नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देख पे झड़ कमीगला और पिलाने घर को फेरिले तो याकु आम कौन करवा सरल वाक्य परिणत करवा जेहेतु ये हूँ कौन गोटे जौगिक वाक्य तो आपको सरल वाक्य जब आम परिणत करवा कौन हम ना झड़ कमी पाने घर को फेरिले तो ये है गोटे सरल वाक्य। देन एवं देखा भ नंबर क्वेश्चन। तो एवं देखा भ नंबर। भ नंबर क्वेश्चन कौन से देख पे उत्कलमणि गोपबंधु कि सच्चा देश सेवक सते यही वाक्य आम कौन कर पे प्रश्न सूचक वाक्य परिणत करवा। अच्छा उत्कलमणि गोपबंधु कि सच्चा देश सेवक सते तो यहाँ कौन हो पाने तो यहाँ गोटे कि वाक्य है तो यहाँ गोटे है पे विस्मय सूचक वाक्य कहीं गोटे विस्मय सूचक चिन्ह अच्छे तो यहाँ को देखिए तुम जान सारे पे तो या आम कौन करवा ना प्रश्न सूचक वाक्य आम परिणत करवा। तो यह कौन हम पे देख प्रश्न सूचक वाक्य परिणत करवा तो यहाँ हम पे उत्तर कौन हम ना उत्कलमणि गोपबंधु भली सच्चा देश सेवक आउ कहती ठीक अच्छे उत्कलमणि गोपबंधु भली सच्चा देश सेवक आउ कहती तो शेष लगे प्रश्न सूचक चिन्ह लगे तो ये होगा पे भ नंबर। हाँ ये आउ गोटे कथा कही रखुच्छे पे तो ये जो प्रकार वाक्य गुड़ाक तुमको देव ए वाक्य गुड़ाक से कौन कर ना गोटे प्रश्न सूचक वाक्यटा को आम बृत्ति सूचक करवा बृत्ति सूचक वाक्यटा को प्रश्न सूचक करवा पुणे प्रश्न सूचकटा को नास्ति सूचक जहाँ भी किसी तो ये सब वाक्य गुड़ाक मन रखित पे एगुड़ाक सब परीक्षा के मन इच्छा पचार ठीक अच्छे यहाँ तेल कौट पचार ना बही भितर थोड़ा उदाहरण ही पचार तेणु आमको कौन करा पड़ो ना बही भितर तुम जहाँ जहाँ किसी उदाहरण गुड़ाक अच्छी तो सेगुड़ा टे भल भाव पढ़ीदेव पे कारण से भितर ही आसी बाहर आड़ किसी भी उदाहरण आसूना तो देन एवं देखा पे म नंबर क्वेश्चन। तो म नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देख अज्ञात युवक को आश्रय देवा भूल तो यहाँ हूँ पे गोटे बृत्ति सूचक वाक्य तो या विस्मय सूचक परिणत कर तो यहाँ कौन हम तो पे तो म नंबर आंसर हम अज्ञात युवक को पुणी आश्रय ठीक अच्छे तो ये शेष पुणी लगे कौन विस्मय सूचक चिन्ह लगे ठीक अच्छे विस्मय सूचक यह चिन्ह गुट लगे ठीक अच्छे तो कौन हम तो आंसर ना अज्ञात युवक को पुणी आश्रय तो यह प्रकार रही शेष गोटे चिन्ह रो तो ये म नंबर। तो देख पे तो बर्तमान आम एक नंबर कंप्लीट होगा। देन एवं आम देखा दुई नंबर। तो दुई नंबर प्रश्न कौन अच्छे देख दुई नंबर ये कहुई जे गोटे लेखाएं वाक्य पद गुड़िकर उत्तर लिख तो गोटे गोटे वाक्य आपको उत्तर देवा तो कौन अच्छी देख दुई नंबर क को जो आम देखा बिजु बाबू को ओडिशार समस्ते जानती तो या कौन करवा नास्ति सूचक करवा ठीक अच्छे तो यहाँ कौन है यहाँ गोटे बृत्ति सूचक है तो या कौन करवा तो आपको आम नास्ति सूचक परिणत करवा ठीक अच्छे तो आपको जब नास्ति सूचक परिणत करवा कौन हम ना बिजु बाबू ओडिशा रे कहा को अजणा नुहंती ठीक अच्छे बिजु बाबू ओडिशा रे कहा को अजणा नुहंती ठीक अच्छे तो ये होगा पे क नंबर आंसर। देन एवं आम देखा ख नंबर। तो देख पे तो ख नंबर हम प्रश्न अच्छी माँ रांधुचंती भाववाच्य परिणत कर तो कौन हम पे ख नंबर हम माँ रंधा चली ठीक अच्छे माँ रंधा चली तो ये है कौन पे गोटे भाववाच्य बुझीगले पे तो ये आम देखा पे ग नंबर प्रश्न ग अच्छी कौन देख विजय कलिकता जीव कर्मवाच्य परिणत कर तो ये कर्म कौन अच्छी कलिकता अच्छी तो या कौन कर देख पे कर्मवाच्य किभली परिणत हो तो ग नंबर आंसर हम विजय कलिकता जीवा हेब ठीक अच्छे विजय कलिकता जीवा हेब तो ये है पे ग नंबर आंसर। देन एवं आम देखा पे घ नंबर। तो घ नंबर प्रश्न कौन अच्छे देख अति अधिक वक्तव्य स्पृहणीय नुहे ठीक अच्छे आपको आम कौन करवा संक्षेपण करवा तो संक्षेपण विषय में तुम्हें जा सारी पे संक्षेपण कौन ना बहुत बड़ कर से बाक्यटा तो आम कौन करवा छोट करवा ठीक अच्छे तो सी हम कौन संक्षेपण जी घ नंबर उत्तर कौन हम ना अत्यधिक वक्तव्य स्पृहणीय नुहे अत्यधिक मान ये अति अधिक अच्छे आपको आम कौन कले संधि करदे ठीक अच्छे अत्यधिक वक्तव्य स्पृहणीय नुहे ठीक अच्छे जो बड़ होता है आपको छोट करदे आपको कहु पे संक्षेपण तो ये आम देखा वो नंबर। तो वो नंबर कौन अच्छे देख तो वो नंबर प्रश्न अच्छी जाया और पति दुई जन जाक आज आसबे तो या संक्षेपण करवा तो वो नंबर कौन हम ना दंपति आज आसबे तो जाया और पति दुई जन जाक आपको जब आम कौन करवा आपको जब आम एक पदीकरण करवा ये कौन हो दंपति हो दंपति आज आसबे ठीक अच्छे ये है संक्षेपण। देन ये आम देखा पे च नंबर। च नंबर कौन अच्छी जाणी को इच्छा करुवा छात्र विद्यालाभ कर तो च नंबर आंसर पे जिज्ञासु छात्र विद्यालाभ कर। अच्छा जिज्ञासु कौन ना तुम जानते पे जानवाक इच्छा हूँ जिज्ञासा जानवाक इच्छा हूँ
जिज्ञासा इच्छा करूवा छात्र ठीक अच्छे ना इच्छा करूवा छात्र कौन आस जिज्ञासु छात्र तो जिज्ञासु छात्र विद्यालाभ कर तो यार आंसर कौन पा ना जिज्ञासु छात्र विद्यालाभ कर तो ये है पी मैंने छ नंबर एवं आम देखा पी मैंने छ नंबर प्रश्न तो छ नंबर प्रश्न कौन अच्छी देख छ नंबर प्रश्न अच्छी पान बेपार करुवा लोकटी अगर ग्राम को गला तो छ नंबर आंसर पे कौन ना या जो आम संक्षेपण करवा तो यह संक्षेपण कर संक्षेपण कर तो ये कौन हम ना पान बेपार करुवा लोकटी अगर ग्राम को गला तो ये उत्तर हम पे पानराटी ग्रामांतर है ठीक अच्छे तो पान बेपार करुवा लोकटी तो ये है कौन पानरा अगर ग्राम को गला मैं कौन ये कौन ग्रामांतर है ठीक अच्छे अगर ग्राम को गला मैं कौन ग्रामांतर है तो ये है पे संक्षेपण देन एवं देखा ज नंबर तो ज नंबर कौन अच्छी देख पवन विपरीत दिगरे साइकिल चलाइबा कष्टकर आकु संक्षेपण करवा तो ज नंबर कौन देख पे पवन प्रतिकूल साइकिल चालना कष्टकर पवन विपरीत दिगरे कौन प्रतिकूल है तो पवन प्रतिकूल साइकिल चालना कष्टकर ठीक अच्छे यहाँ दिग रही बुझीगलाना पवन प्रतिकूल साइकिल चालना कष्टकर ठीक अच्छे देन एवं देखिए पे छ नंबर तो छ नंबर कौन देख पे विष्णु उपासक माने कीर्तन करुछते याकु आमे कोन करबा संक्षेपण करबा तो छ नंबर आंसर हो पिला माने कोन ना वैष्णव माने कीर्तन करुछते विष्णु को उपासक बोले कोन बैठी वैष्णव तो वैष्णव माने कीर्तन करुछते ये पड़ेगा छ नंबर पिला माने देन एबा हम देखिबा नय नंबर शिक्षक कहिले मु आज इंग्राजी पढ़ाबी आकु परोक्ष उक्ति रे प्रकाश कर तो ये हैला कोन पिला ये हैला कोन प्रत्यक्ष उक्ति ठीक अच्छे यहाँ डायरेक्ट शिक्षक कहते तो ये है कौन प्रत्यक्ष कौन परोक्ष उक्ति सॉरी प्रत्यक्ष उक्ति तो आपको आम कौन कर परोक्ष उक्ति परिणत करवा माने डायरेक्ट अच्छे आपको इनडायरेक्ट आम कन्वर्ट करवा कौन हम जदि आपको परोक्ष उक्ति परिणत करना पे तो न्यू नंबर आंसर हम शिक्षक इंग्राजी पढ़ाए बोली कहले ठीक अच्छे तो शिक्षक कौन कही आज इंग्राजी पढ़ेबी तो ये है कौन प्रत्यक्ष उक्ति आपको जब परोक्ष कन्वर्ट करवा कौन हम ना शिक्षक इंग्राजी पढ़ाए बोली कहले ठीक अच्छे दे एवं देखा पे मैंने ट नंबर तो ट नंबर कौन अच्छी देख पे तो ट नंबर अच्छी हरि जात्रा देखे ना बोली कहला तो ये कौन है पे ये है गोटे परोक्ष उक्ति ठीक अच्छे आपको आम कौन करवा प्रत्यक्ष उक्ति परिणत करवा तो ट नंबर आंसर कौन हम देख पे तो ट नंबर आंसर हम हरि कहला मुत्रा देखे ना हाँ ये आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथ पे देख जदि जिते बड़े आम कौन कर प्रत्यक्ष उक्ति थी ना गोटे प्रत्यक्ष उक्ति कौन थाए ना जमी देख ऊपर बाक्य टे देख पे ये कौन था शिक्षक कहले ये कौन कम रोला देन ये कौन ऊर्धत चिन्ह रोचे देख पे ये आरंभ कर ऊर्धत चिन्ह बुझिपार्सना तो यही प्रकार मन रख पे जदि आम प्रत्यक्ष उक्ति परिणत करवा ना तो से कम रहा सहित ऊर्धत चिन्ह रही देख ट नंबर आंसर कौन हम ना ट नंबर आंसर हम पे हरि कहला तो ये गोटे कमा लगे हरि कहला ऊर्धत चिन्ह लगे मुझे देखे ना तर ऊर्धत चिन्ह शेष हो ठीक अच्छे यहाँ जो प्रकार फॉर्मेट अच्छे सेम लिख ठीक अच्छे तो कौन लिखे तेरे ना हरि कहला मुत्रा देखे ना ठीक अच्छे बुझेगा पे तो ये देखा ठ नंबर प्रश्न तो ठ नंबर प्रश्न कौन अच्छे देख सूर्य उइले पद्म फुटे जटिल वाक्यता को परिणत कर तो ठ नंबर आंसर पे जितेबले सूर्य उए से पद्म फुटे ठीक अच्छे तो ये जो सरल वाक्यटा था आपको आम कौन कले जटिल वाक्य परिणत करदे तो कौन बताले ना जितेबले सूर्य उए से पद्म फुटे तो एवं आम देखा ड नंबर तो ड नंबर प्रश्न कौन अच्छी देख पे नटवर बाबू द्वारा टंका आदाय होता तो या कौन करवा कर्तृवाच्य परिणत करवा तो ड नंबर आंसर पे नटवर बाबू टंका आदाय करुले ठीक अच्छे तो ये है पे कर्तृवाच्य देन एवं देखा ड नंबर आंब क्विंटाल के भाव दृष्टि यह कि प्रकार वाक्य से पचारा ठीक अच्छे तो ढ नंबरटा कौन हम पे ना ढ नंबरटा हम प्रश्न सूचक वाक्य कारण ये प्रश्न पचरा ये आउटे पिला आउटे कथा पिले मन रखित ये कारण से प्रश्न सूचक चिन्ह अच्छे तो या देखने तुम्हें जानदेव ठीक अच्छे जदि विस्मय सूचक थी तेल ये प्रकार चिन्ह थी तो ये जदि अच्छी तेल जानदेव से कौन विस्मय सूचक वाक्य जदि प्रश्न पचारे प्रश्न सूचक चिन्ह थी तो यहाँ तेल कि प्रकार वाक्य ना प्रश्न सूचक वाक्य देन एवं देखा पे न नंबर तो न नंबर कौन अच्छे देख तुम कथा रवि को जना नास्तिसूचक वाक्य परिणत कर तो ण नंबरटा कौन हम पे तुम कथा रवि को अजणा ना तो यहाँ हम कौन पे ना नास्तिसूचक वाक्य ठीक अच्छे तो तुम कथा रवि को जना यहाँ कि प्रकार वाक्य था तो यहाँ गोटे कौन बृत्ति सूचक था आपको आम कौन कले नास्तिसूचक जब कन्वर्ट करदे कौन हम ना नास्तिसूचक कन्वर्ट करवा तुम कथा रवि को अजणा
नाही, ठीक अच्छे। तो यह प्रकार हम देन एवं आम देखा पे मैंने ट नंबर क्वेश्चन, तो ट नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देख पे बास नाला देन आम ट नंबर देखा, तो ट नंबर क्वेश्चन अच्छे गछटी पानी पोड़गला कहार अभाव उक्ति एक सार्थक वाक्य नुहे, तो ट नंबर आंसर पे योग्यतार अभाव, ठीक अच्छे। कहीं गछटी पानी पुणी पोड़गला तो पानी के पोड़नी, ठीक अच्छे। तो यहाँ कहार अभाव ना योग्यतार अभाव यहाँ गोटे सार्थक वाक्य नुहे, बुझीगले पे। देन एवं देखा थ नंबर क्वेश्चन, तो थ नंबर कौन अच्छे देख, उभय ए मिसी छवि और वंदना आंकी चंदना, तो कौन पर यह एक वाक्य पदवाच्य नुहे, ठीक अच्छे। तो यहाँ कहीं हम पे थ नंबर हम ना आसतीर अभाव, आसती बोले कौन मुझ जस्ट पूर्व कही तुमको सी कौन ना यहाँ कौन अच्छी पे ना जो ये लिखा जाए कौन अच्छी पद गुड़ा सब एपट सेपट ही रही है, ठीक अच्छे। तेणु यही कारण जो यहाँ कौन गोटे पदवाच्य हो पारना, ठीक अच्छे। यहाँ गोटे वाक्य हो पारना जदि हाँ यहाँ आम जो आपको चेंज करदे कौन हम ना चंदना और वंदना उभय मिसी ए छवि आंकी, इमें जब लिखा तो ठीक हे, चंदना और वंदना उभय मिसी ए छवि आंकी, इमें जब कले से गोटे वाक्य हो पार, ठीक अच्छे। तो ये कौन है पे थ नंबरटा कौन वाक्य है आसतीर अभाव, ठीक अच्छे। तो देन एवं देखा पे नंबर क्वेश्चन सॉरी द नंबर क्वेश्चन, तो द नंबर क्वेश्चन कौन देख, गौतम तपसिद्ध हो बुद्धत्व प्राप्त कले, तो गठन दृष्टि यह कि प्रकार वाक्य, तो यहीटा हम पाने कौन ना सरल वाक्य, जेहेतु ये गोटे मात्र कौन समापिका क्रिया अच्छे, तेणु ये कौन पे सरल वाक्य। देन एवं देखा पे तीन नंबर क्वेश्चन कौन रोक देख पे, तो तीन नंबर ये कहुई क्लीयरली देख पे तीन नंबर ये कहुच्छी कौन गोट देख पे, तो तीन नंबर प्रश्न ये कहुच्छ गोटे लेखाएं शब्द से प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख, तार तो गोटे गोटे शब्द से आम लिखा, तो क नंबर प्रश्न देख पे वाक्यर प्रत्येक अंश को कौन कहुए, तो तीन नंबर आंसर पे पद कहुए, ठीक अच्छे। तो यार आंसर हम कौन पद। देन एवं देखा ख नंबर वाक्य पद योजना को कौन कहती, आंसर हे पे आसती, कौन कह आसती। देन एवं देखा ग नंबर गोटे वाक्य जहाँ विषय कहुए कौन कहती, कहुए कौन पे कर्ता, मानने वाक्य जार मुख्य भूमिका थी, तो कहुए कौन ना कर्ता। देन एवं देखा घ नंबर वाक्य पद योजना कौन वृद्धि करें, तो घ नंबर आंसर पे सौंदर्य वृद्धि करें। देन एवं देखा वन नंबर वाक्यर शेष में क्यों पद स्थानित होता है, तो वन नंबर पे कौन क्रियापद स्थानित होता है। देन एवं देखा कौन देख च नंबर, तो च नंबर प्रश्न कौन अच्छे देख, तो च नंबर प्रश्न अच्छी वाक्य बुझा पड़ा एक निर्दिष्ट अंश को कौन कहुए, तो च नंबर आंसर हम पे कौन वाक्यांश बोली कह, ठीक अच्छे। तो च नंबर हम कौन पे वाक्यांश, ठीक अच्छे। वाक्य बुझा पड़ा एक निर्दिष्ट अंश को कौन कहु वाक्यांश कह। देन आम देखा छ नंबर वाक्य न संयुक्त क्रियापद केउठार व्यवहृत होता है, तो छ नंबर पे क्रियापद पूर्वर, ठीक अच्छे, क्रियापद पूर्वर। देन एवं देखा ज नंबर जेकोसी प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को क्यों वाक्य कहुए, तो ज नंबर आंसर पे कौन मिश्र वाक्य बोली कहुए। देन एवं देखा पे झ नंबर, तो झ नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देख, तो झ नंबर क्वेश्चन अच्छी क्यों भाव प्रकाश करुवा वाक्य को विस्मय सूचक वाक्य कहुए, तो झ नंबर आंसर हम पे कौन ना विस्मय, ठीक अच्छे। झ नंबर हम पे विस्मय, तो विस्मय भाव प्रकाश करुवा वाक्य को विस्मय सूचक वाक्य बोली कहुए। देन एवं देखा कौन पे निय नंबर, तो निय नंबर क्वेश्चन अच्छी प्रश्नर सूचना प्रदान करुवा वाक्य को क्यों वाक्य बोली कह, तो निय नंबर हम पे प्रश्न सूचक, ठीक अच्छे। जदि प्रश्नर सूचना प्रदान करेंगे प्रश्न सूचक वाक्य कौन वाक्यर पुणी शेष गोटे प्रश्न सूचक चिन्ह थी, बुझिपालना पे। देन एवं देखा ट नंबर कौन सी एक वक्तव्य प्रदान करुवा वाक्य को क्यों वाक्य कह, तो ट नंबर पे कौन बृत्ति सूचक, ठीक अच्छे, बृत्ति सूचक। देन अच्छे देख पे ठ नंबर एक दीर्घ वाक्य को संक्षेप प्रकाश करने को कौन कहुए, कहुए पे वाक्य संक्षेपण, बुझीगले पे। तो एवं देखा निम्नलिखित उक्ति गुड़िक मधुर जो गुड़िक टिक टिक चिन्ह दबो, देन जो गुड़िक भूल भूल चिन्ह दबो, तो कौन हम देख पे प्रश्न गुड़ाक देखा। तो पांच नंबर क अच्छी मदन द्वारा गीत गाइवा संभव नुहे, यह सरल वाक्यर उदाहरण, तो देख पे ये वाक्य लिखा जाए एक सरल वाक्य, तेणु कौन अच्छी ना प्रश्न जेहतु यहाँ कौन, तो यह सरल वाक्य उदाहरण कही, तेणु यह सरल वाक्य उदाहरण, तेनालीराम प्रश्न ठीक अच्छे, ठीक है। तेणु देख पे आम ख नंबर देखा
तो ख नंबर से देखी से माने पानी रे पहुरुछंती वाक्यटी कर्मवाच्य रे अछि तो देखो पिला माने एटा भूल हबो काही कि भूल हबो कारण वाक्यटी कोन अछि ना कर्तृवाच्य रे अछि बुझि गेल ना जेहेतु वाक्यटी कर्तृवाच्य रे अछि तनसि कहिछि कोन कर्मवाच्य रे अछि कहिछि तन एटा भूल हेगला पिला माने देन एबा हम देखबा ग नंबर तो ग नंबर कोन अछि देखो पिला माने जेकोसी प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को जटिल वाक्य कहुए तो ग नंबरटा भूल हम पाने ठीक अच्छे तो ग नंबरटा भूल हम कहीं जेकोसी प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को मिश्र वाक्य बोली कहुए ठीक अच्छे जेहेतु से जटिल वाक्य कहला तेनाली भूल होगा तो एवं देखा पाने घ नंबर प्रश्न तो घ नंबर कौन अच्छी देख आज खरा खूब टाण यह एक विस्मयसूचक वाक्य तो देख पाने जेहतु से विस्मयसूचक वाक्य कही तेणु देख ये भल भाव कितु ये विस्मयसूचक चिन्ह ना ठीक अच्छे तेणु ये कौन है पे गोटे बृत्ति सूचक वाक्य यहाँ गोटे बृत्ति सूचक वाक्य कितु कही से विस्मयसूचक वाक्य तेनालीराम मतलब भूल पे देन एवं देखा ओ नंबर प्रश्न तो ओ नंबर प्रश्न कौन देख विजया भल गई मात्र भल नाचिपे ना तो यह एक जटिल वाक्य तो देख पे विजय भल गई ये गोटे सरल वाक्य देन मात्र भल नाचिपे ना तो भल नाचिपे ये मतलब गोटे सरल वाक्य तो दुईटा जेहतु संजोग होती मात्र द्वारा तेणु ये गोटे कौन पे जौगिक वाक्य क्यों से देती जटिल वाक्य बोली ठीक अच्छे तो यहाँ जेहतु गोटे जौगिक वाक्य तेनाली जटिल वाक्य कही जो ये भूल हो पे जदि ये से जौगिक वाक्य कही था ठीक होता था तो ये आम देखा छ नंबर तो छ नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देख पे छ नंबर क्वेश्चन अच्छी रमेश एक भल पा यही वाक्य कौन सी क्रियापद ना ठीक अच्छे तो देख पे ये क्रियापद अच्छी कितु ना कही था जो गुटा भूल अच्छा कौटे अच्छी तो देख क्रियापद किसी देखा जाए कितु देख पे ये क्रियापदा उही हो रमेश एक भल पा अटे ठीक अच्छे तो ये अटेटा उही हो जाए ठीक है तेनाली क्रियापद अच्छी कितु ना कहला तेनाली भूल होगा पे बुझीगल पे देन एवं देखा छ नंबर क्वेश्चन तो छ नंबर कौन अच्छी देख पे दुई बा तत्वधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्य समन्वय गठित वाक्य को जौगिक वाक्य कहुए यह भूल हम पे कहीं यहाँ जौगिक वाक्य नुह आपको कहुए जटिल वाक्य दुई बा तत्वधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्य समन्वय गठित वाक्य को कौन कहुए जटिल वाक्य कहुए जेहतु से जौगिक वाक्य कहला तेनाली भूल हम पे देन एवं देखा ज नंबर क्वेश्चन तो ज नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देख पे वाक्यर आरंभ में बेले बेले अधिकरण कारक व्यवहार करा जाए तो यहाँ ठीक हम पे कहीं वाक्यर आरंभ बेले बेले अधिकरण कारक होता है जमी मन कर उदाहरण देवा सका कम आरंभ हुए ठीक अच्छे तो सका कौन है अधिकरण कारक है तो देख पे अधिकरण कारक विषय में पूर्व कही तो तुम्हें देखने जापर पे ठीक अच्छे तो सही तुम देखिपार क्लीयरली पे पद विन्यास जो पढ़ी थी तो सीट अधिकरण कारक तुम तीन प्रकार बुझाई था गोटे स्थानाधिकरण आउ गए कालाधिकरण आउ गए विषयाधिकरण ठीक अच्छे तो सका काम आरंभ हुए अर्थात सका कौन है ये हूँ गोटे कालाधिकरण कारण सका गोटे काल को बुझे जमी पे से गणित प्रवीण तो गणित कौन है गणित गोटे विषय पड़ेगा तेणु गणित होगा गोटे पे कौन गणित तो ये गोटे कौन विषयाधिकरण सेमती स्थानाधिकरण कौन से पोखरी गाधुची तो पोखरी तो पोखरीटा है कौन स्थान तेणु ये प्रकार तो से पोखरी है कौन गोटे स्थानाधिकरण तेणु अधिकरण कारक तुम तीन प्रकार से पाला गोटे स्थानाधिकरण गोटे कालाधिकरण गोटे विषयाधिकरण तो ये प्रकार सब बुझे सारी तो तुम से भिडियो देखीद पाला तो बर्तमान तुम कम्प्लीट हो गला तो आशा करुच्ची भिड तुमको आज भल लगे जदि भल लगी निश्चित रूप गोटे लाइक कर कमेंट कर सेयार कर आज जब चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करना तो तुरंत सब्सक्राइब करदेव तेज चलो पे आज भिडियो को शेष करवा कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग धन्यवाद।